यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो कि पीटी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और संभवतः जितने भी आपके यहाँ पर सिलेबस में जो जो टॉपिक आपके दिए गए हैं उसके भी आपके यहाँ पर स्पेशल वीडियो आपके बनाए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पीटी एग्जाम में 5 नंबर यहाँ से आपके आने हैं और पूरे के पूरे 5 नंबर हमें आपको यहाँ पर कवर करना है। यहाँ पर देखिएगा कि महात्मा गांधी ने जो आपके आंदोलन किए थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। यह 1917 ईस्वी में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। अगर क्वेश्चन पूछे ये प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह तो आपका चंपारण, इसमें से 3/20 भाग पर अनिवार्य नीति खेती के विरुद्ध सत्याग्रह जिसे तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ना है, बस यहाँ पर जो पहले जरूरी है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला दिया गया है अहमदाबाद मजदूर का आंदोलन जो कि कब हुआ था 1918 में और महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल जो आपकी हुई वो आपकी कब, तो 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट दिया है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। क्या प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह जो आपका था वो कौन था, तो खेड़ा सत्याग्रह। तो ये भी आपको आईएमपी क्वेश्चन है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट दिया खिलाफत आंदोलन, ये 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की गई थी खिलाफत आंदोलन में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कि असहयोग आंदोलन स्टार्टिंग देख सकते हैं 1920 में प्रथम जन आंदोलन के व्यक्ति। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम जन आंदोलन जो आपका था वो आपका कौन था, तो गांधी जी का ये प्रथम जन आंदोलन था जो कि 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, ये 1930 में हुआ था, नमक सत्याग्रह था, ठीक है। अगला दिया गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये देखिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये आपका 1940 में और उपनाम दिया गया दिल्ली चलो आंदोलन में, ये आपका था व्यक्तिगत सत्याग्रह का, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति, याद रखिएगा 1942 में यहाँ पर नारा भी दिया गया था करो या मरो का नारा। तो ये थोड़ी सी आपकी हेडलाइन दिखी गई है थोड़ी थोड़ी सी, अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे आपके अच्छे से और भी यहाँ से कुछ पॉइंट आपके बनते हैं। हमने कहा है कि गांधी जी तो जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन गांधी जी से बचपन के जितने भी लंगोटिया यार हैं या इनके जितने साथी हैं सबके बारे में हम लोग इसमें पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया रॉलेट एक्ट 1919, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बनेंगे। तो चलिए भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। तो क्वेश्चन क्या बना, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यहाँ पर कह सकते हैं क्या एक समिति बनी थी 1917 में। रॉलेट एक्ट रेडिएशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इस समिति के गठन का उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। मतलब भारत में देखा जाए जो क्रांतिकारी है ना, उस क्रांतिकारी को कैसे यहाँ पर समेटा जाए, अर्थात इनके जो आपके कह सकते हैं षड्यंत्र है इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए कह सकते हैं आपका बना था। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी, है ना। जो भारत की रक्षा थी वो अवधि क्या यहाँ पर समाप्त होने वाली थी। अगला पॉइंट आपको दिया है, समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल ने फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए, जिनमें से एक विधेयक को तो वापस ले लिया परंतु दूसरे क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। तो डेट याद रखना है, डेट क्या है, 18 मार्च 1919 को ही रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था। तो ये डेट आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए कि आज आपका मोबाइल भर जाए, ठीक है ना। हर एक पॉइंट जो उस पर हम फोकस करें उसका स्क्रीनशॉट लिखना है, कॉपी में नोट करना है। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया था। आपको पता है इसके बारे में अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा था, अर्थात रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते समय कहा कि जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया, इसे काला अधिकार एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसलिए पूरी तरीके से पढ़िएगा कि बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून और काला अधिकार या आतंकवादी अपराध अधिनियम किसे कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को कहा गया, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे, अब उन्हें देशव्यापी विरोध करने को कहा गया, है ना। इन्होंने पहले से एक सभा बना ली थी, अब क्या करना है, एक देशव्यापी विरोध करना है। अब यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 को इस दिन का राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अब आ गए हम लोग जलियांवाले बाग में, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा मॉडल पेपर में या किसी भी प्रैक्टिस सेट में। दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता
कौन कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू गिरफ्तार कर लिए गए। 13 अप्रैल 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा एकत्रित हुई। तो ये डेट आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये डेट याद रखना है, 13 अप्रैल आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और गिरफ्तार कब हुए थे, तो 10 अप्रैल को आपकी गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में आपका स्थित है, एक छोटा सा पार्क है जो कि तीन ओर से दीवारों से घिरा है, केवल एक छोटी सी गली है ना, पार्क में जाने का एक रास्ता है छोटा सा। अब यहाँ पर आपसे दिया गया है कि यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्ध स्त्री और बच्चे ने भी भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश सरकारी कौन जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें से मरने वालों की संख्या कितनी बताई गई, तो आपकी 379 बताई गई है, सरकारी रिपोर्ट आपकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो एग्जाम में बनने वाले हैं, देखो दिया है दीन बंधु एफ एंड्रज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। अगर क्वेश्चन पूछे कि जलियांवाले हत्याकांड को यहाँ पर जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा है, तो आपके दीन बंधु एफ एंड्रज ने कहा है। डायर ने शान के साथ कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्यवाही की गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उसे इस घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं हुआ, वह इंग्लैंड चला गया जहां कुछ अंग्रेजों ने इसका सम्मान करने के लिए पैसे भी एकत्रित किए थे। याद रखिएगा, इतना बड़ा कांड करने के बाद वहां पर अंग्रेज के लोगों ने यहां पर उसे सम्मानित भी किया और कुछ पैसे भी यहां पर एकत्रित किए थे। अब देखिएगा, किस ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपके कह सकते हैं जलियांवाला कांड था, उसकी रिपोर्ट अर्थात उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी थी, तो आपके यहां पर हंटर कमीशन की यहां पर कह सकते हैं जांच समिति बनाई गई थी, ठीक है ना। यहां पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय, ये क्वेश्चन आपका बहुत एएमपी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सीआर दास थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे और आपके एम आर जयकर आदि शामिल थे, आपके कह सकते हैं इस आपकी समिति में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने गोली मारकर है ना वो डायर की हत्या कर दी। देखिए याद रखिए, डेट याद रखिएगा कि ऊधम सिंह ने गोली मारी थी, डायर को गोली किसने मारी, ऊधम सिंह ने, कब मारी थी, तो 13 मार्च 1940 में, लगभग आपकी 21 साल बाद ये कारनामा इन्होंने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब के गवर्नर उस समय कौन थे जब ये बाग का हत्याकांड हुआ था, तो ये थे आपके ओ डायर पंजाब, ठीक है, कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके थे माइकल ओ डायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिए ये सबसे आईएमपी है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। एग्जाम में पूछेगा कि आपके नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब यहां पर कह सकते हैं वापस कर दी थी, तो कब, तो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप ही किया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की और इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमन द्वीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। याद रखिए कहां पर, तो आपके पंजाब में चमन द्वीप के नेतृत्व में, ठीक है, कौन थे, चमन द्वीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आ गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पॉइंट दिया खिलाफत आंदोलन। अब हम लोग पहुंच गए हैं अगले आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में, तो देखिएगा कि तुर्की के सुल्तान को खलीफा अर्थात मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद यहाँ पर कह सकते हैं प्राप्त था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली जो कि अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अली बंधुओं के नाम से किन्हें जानते हैं, तो ये दो भाई आपके थे कौन, मोहम्मद अली थे और आपके शौकत अली जो कि अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे, ने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। किसके, तो अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को चलाने के लिए एक खिलाफत कमेटी गठित की गई जिसमें गांधी जी भी क्या शामिल थे, तो याद रखिये गांधी जी भी इसमें से शामिल थे। अगला आपसे दिया गया है सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। कब, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। कब, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके गांधी जी ने। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि दिल्ली में जो खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किया था वो महात्मा गांधी ने किया था नवंबर 1919 में। कब नंबर, 24 नवंबर में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि इस आंदोलन का विरोध सी आर
दार्शनिक या उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। तो देख सकते हैं खिलाफत कमेटी के लिए इन्होंने अध्यक्षता किया और इस खिलाफत कमेटी का विरोध किसने किया था, तो सी आर दास। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा कि खिलाफत कमेटी के प्रति विरोध किसने किया था, इस आंदोलन का विरोध करने वाले कौन थे, तो ये थे आपके सी आर दास थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कि अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल, क्वेश्चन पूछेगा कि अल हिलाल पत्रिका किसकी है, तो आपकी अबुल कलाम आजाद की पत्रिका है अल हिलाल, इसके माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ चुके हैं आपके असहयोग आंदोलन में, किसमें, असहयोग आंदोलन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए असहयोग आंदोलन था क्या, तो समझिएगा कि कलकत्ता 1920 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, जो कि एक विशेष अधिवेशन आपका हुआ था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ जो कि नागपुर 1920 ईस्वी में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार किया गया। याद रखिए विशेष अधिवेशन यह होता था जब कभी अचानक से कोई सभा आपको आयोजित करनी है, उसे बोलते हैं विशेष अधिवेशन, जो कि कलकत्ता 1920 में अधिवेशन था, लेकिन यह वास्तविक अधिवेशन नहीं था, इसका वास्तविक अधिवेशन था क्या, नागपुर था, है ना। लेकिन यहां से क्या किया गया, प्रस्ताव पारित हुआ, स्वीकार कहां पर किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, इसे वार्षिक अधिवेशन की तरह स्वीकार कर लिया गया। अब यहां पर देख सकते हैं कि नागपुर अधिवेशन में लगभग देख सकते हैं 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। सभी नियोजित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। इन साधनों के द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन का नाम दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है। चलिए देखिए, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि अध्यक्षता कौन किए थे, तो लाला लाजपत राय ने यहाँ पर अध्यक्षता किया था, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया है कि इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार भी किया गया। अगला पॉइंट दिया है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ विल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ विल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो यहाँ पर आपके पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज्य प्राप्त करना, इसका प्रारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई सर जैसी पदियों को त्यागने के साथ हुआ था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अब पॉइंट आपसे मिलेगा क्या, यहाँ पर पॉइंट दिया है कि केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब वापस किया था, तो आपके गांधी जी ने 1920 ईस्वी में किया था जब यहाँ पर विधान परिषद का बहिष्कार प्रारंभ हुआ था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कौन सा, चलिए यहाँ पर देखिए, राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षण संस्थाएं बनाई। अभी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा, जब आप जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ पर राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में कौन सी जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की थी, किस समय, इस आंदोलन के समय। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, वकीलों ने अदालतों का आविष्कार किया, सारे देश में सार्वजनिक हड़ताल आपकी हुई। तो देखिए यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं, 1921 का वर्ष समाप्त होने से पहले लगभग 30,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे। याद रखिएगा 30,000 की संख्या बहुत होती है। केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह भड़क गया, अधिकांश विद्रोही मोपला किसान थे, इसलिए इसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह का संबंध कहां से है, तो आपके केरल से संबंधित है। ये मोपला किसे कहते हैं, तो मोपला वहां के किसानों को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विद्रोह का बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया, लगभग 2,000 से अधिक लोगों की यहां पर मौत भी हो गई, ठीक है ना, मोपला विद्रोह में। अब आते हैं हम लोग चौरी चौरा कांड में आ चुके हैं, तो चौरी चौरा कांड की बात करते हैं, तो गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी कि समय सीमा पूरी होने से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान, जो कि यहाँ पर आपको 4 फरवरी करना है, क्योंकि अब आपको जो एग्जाम में मिलेगा, ऐसा होता है जब करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसके बाद जो हिस्ट्री होती है उसको समाप्त की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं 100 साल पूरा होने के बाद यहाँ पर आपके मोदी जी ने, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं 4 जो कि 1 साल आपको लगभग चलने वाला है, तो 4 फरवरी 1922 का एक हिंसा घटना घटित आपकी हुई थी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि चलिए आप लोग जानते हैं डेट के बारे में, अगला पॉइंट देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ था, तो 1906 में ढाका में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ढाका में। द्वितीय अधिवेशन तो आपके 1907 में कराची में हुआ था, तृतीय अधिवेशन तो 1908 में अमृतसर में। तो ये तीनों अधिवेशन ये मुस्लिम लीग के हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तो डेट याद रखिएगा 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ पर मांग स्वीकार की गई थी, है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना सर। तो चलिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे दिया गया क्या, तृतीय चरण।
अब देखिए लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ गए हैं हम लोग, टेस्ट की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको अच्छी तरीके से यहाँ पर ज्ञान कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट आपका बहुत ही बड़ा होगा, तो इससे अच्छा है कि पूरा ज्ञान ले लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए और लगे कि हमने कुछ यहाँ पर सीखा है, ठीक है ना। तो देखिएगा तृतीय चरण अगर पूछे कि गांधी जी शुरुआत होती है तो आपकी 1919 से लेके 1947 के समय को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि गांधी युग का जो समय है कितना है, 1919 से लेके 1947 का समय है। अगर एग्जाम में आप कह सकते हैं कि 1869 आपका आ जाए तो आप इसको मत लगाइएगा, यहां पर 1947 से आपको लगाना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेट एवं पूर्ण स्वराज रख दिया था और इसी चरण में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था जो कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई आपके तृतीय चरण में। तो चलिए यहां पर देखिए पहला एक पॉइंट और आपको मिला गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को कहां पर, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई, तो आपके ढाका में किसने किया था, तो सलीमुल्लाह ने किया था जो कि आपके 30 दिसंबर 1906 को। तो ये भी डेट आपको याद रख लेना है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, है ना, पूरे इंडिया का कह सकते हैं पूरे अपने खानदान का नाम है नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। तो ये एग्जाम में डेट आपसे बहुत पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपकी हुई थी ढाका में, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है। देखिए यहां पर दिया गया है क्या कि गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध, मतलब गांधी जी अपने भारत में जब आए थे तब प्रवेश किए थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, है ना। और याद रखिएगा कि यहां पर गांधी जी ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था क्योंकि यह मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति भारतीयों को सहयोग के बदले स्वराज दे सकती है, लेकिन गांधी जी ने लोगों को सेना भर्ती होने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया था, ठीक है ना। और यहां पर देख सकते हैं अभी बताया था जनवरी 1915 में इन्हें केसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई। तो ये डेट आपको याद रख लेना 1915 में, ठीक है। अब आते हैं यहां पर के अगला पॉइंट दिया है कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पर देख सकते हैं 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्षों का नेतृत्व किया था। तो यहां पर देखिए तो चंपारण सत्याग्रह हो गया जिसे आप लोग जानते हैं 1917 में, है ना। यहां पर एग्जाम में क्या पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह में जो सहयोगी थे गांधी जी के, जो सहयोगी थे वो आपके कौन थे, तो याद रखिए बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, नरहर पाखी, महादेव देसाई, महरूल हक, ये आपके थे। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब दिया था, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको दिया गया है। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आप लोग जानते हैं, है ना, जिसमें से 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया गया था, है ना। प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो रहा था इस समय, ठीक है। अगला दिया गया खेड़ा, खेड़ा आपके गुजरात में पड़ता है, ये आपके 1918 में है। डेट आपको इसी प्रकार से याद रख लेना है क्योंकि इस समय किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण यहां पर कर लगान स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। अब इनके साथ आपके देख सकते हैं क्या थे, तो गांधी जी, विठल भाई पटेल, बल्ला भाई पटेल और आपके इंदुलाल यानी के साथ खेड़ा पहुंचे। किसके साथ, तो गांधी जी, विठल भाई पटेल, है ना, बल्ला भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, ठीक है ना, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। ये पॉइंट आपका आगे हुआ। यहां पर देखिएगा इन्होंने नवजीवन गुजराती भाषा में, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में संपादन किया, उन्होंने हरिजन का प्रकाशन 1933 से आरंभ किया, ये आपने पढ़ लिया है। इनकी एक आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आपकी गांधी जी की आत्मकथा भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है कि गांधी जी की हत्या कब हुई, ये भी डेट याद रखना है क्योंकि देखो हमने बताया है कि हर एक बुक में हर एक प्रकार का नॉलेज नहीं मिल सकता है, इसलिए हमने यहां पर लगभग देखा जाए तो 8 से 10 बुकों के यहां पर कलेक्ट करके उनका यहां पर निचोड़ निकाला है। तो हर बुक में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने वीडियो देख लिया है तो हर एक बुक का नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा गांधी जी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी, डेट याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में कह सकते हैं कर रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने इनके हत्या कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग, तो हंटर आयोग आपको पता चल गया था, हंटर आयोग का हुआ था, तो आपका जलियांवाला बाग कांड में हंटर आयोग गठित किया गया था। तो ये भी यहाँ पर आपको लोग कह सकते हैं आसानी से ये कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट, चलिए यहाँ पर कुछ और जरूरी है, चलिए अगला जरूरी कहाँ पर है, यहाँ पर ये जरूरी है 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने आपके कह सकते हैं, देखिए एक हाल का नाम दिया है, आपने डायरेक्ट पढ़ा था लंदन गए थे, लेकिन एक हाल दिया गया है कैक्सटन हाल था जो कि लंदन में है, एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे तो माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दिया था उधम सिंह। तो ये हाल का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हॉल याद रखिए कैक्सटन हॉल आपका है लंदन में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व उसके सहयोगी देश तुर्की के मध्य सेवर्स की संधि के तहत तुर्की के
सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका यहाँ पर हो गया, ये डेट याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है, फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कह सकते हैं कि ये है आपके कौन अली भाई कौन थे, मोहम्मद अली और आपके शौकत अली, ये हमने पढ़ा दिया है। दोबारा से छोटे छोटे पॉइंट आपको फिर से मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, याद रखिए अखिल भारतीय खिलाफत में। चौरी चौरा कांड हमने यहाँ पर पढ़ा दिया, यहाँ पर 4 फरवरी कर लेना है ना। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखिएगा अगले पॉइंट में, देखिए एक डेट यहाँ से पूछी जाती है, क्या डेट पूछी जाएगी कि इन्होंने असहयोग आंदोलन कब लिया। तो असहयोग आंदोलन लिया 12 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था इन्होंने, वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रख लेना है, ठीक है। चौरी चौरा घटना से हाफतब हो गए थे। तो देखिएगा आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। डेट अगर पूछे कि भैया चौरी चौरा के बाद गांधी जी को जो जेल में गिरफ्तार किया गया तो भाई कब, तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और असंतोष बढ़ाने के अपराध में 6 वर्ष की जेल की सजा भी सुनाई गई। तो याद रखिए चौरी चौरा के बाद इनको 6 वर्ष की सजा भी सुनाई गई थी। यद्यपि 2 सालों के पश्चात ही आंतों के ऑपरेशन के लिए उन्हें फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। किसके लिए, आंतों के ऑपरेशन के लिए इन्हें रिहा कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे दिया गया है अधिवेशन के दौरान। तो चलिए एक पॉइंट आपको याद रखना है, 31 दिसंबर वाली डेट याद रखिए, 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो चलिए ये भी डेट आपको याद रख लेना है। जितनी भी डेट बता रहे हैं तो ये समझिए कि आप पूरी की पूरी हिस्ट्री आप कंप्लीट कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ लिया है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर 11 सूत्री मांग रखी गई थी। आपसे पूछा जाता है कि यंग इंडिया है ना, यहाँ पर सरकार के समक्ष जब रखा था कितनी सूत्री रखी थी, तो 11 सूत्री मांगी रखी थी, क्योंकि एग्जाम में 12 मिल सकता है 13 मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन क्या मिलेगा, 11। तो 11 सूत्री इन्होंने मांग रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं अगला पॉइंट क्या, यहां पर देखते हैं अगला पॉइंट, दांडी यात्रा अब आ गए हैं। तो चलिए दांडी यात्रा 1930, इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अपने 78 अनुयायी, कितने, 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी अर्थात नौसारी जिला जो कि गुजरात के लिए यात्रा आरंभ कर दिया था। 24 दिन, कितने दिन, 24 दिन की लंबी यात्रा 240 मील या कह सकते हैं 375 किलोमीटर के पश्चात ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और गांधी जी ने सांकेतिक रूप से, कैसे, तो आपके सांकेतिक रूप से यहां पर विद्रोह नहीं किया, सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना। और देखिए तमिलनाडु में भी आपका हुआ था यह आंदोलन, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्र तट पर सीआर राजगोपालाचारी ने और आपके त्रिचरापल्ली के वेदारयम में नमक यात्रा आपकी की गई थी, ठीक है ना। मालाबार के कपक्कम में भी यहां पर सत्याग्रह का नेतृत्व यहां पर किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पश्चिम भाग में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। और खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन का यहां पर संगठन इन्होंने बनाया था। तो चलिए यहां पर आते हैं गांधी इरविन समझा, एक पॉइंट और बचा है, फिर हम लोग आते हैं टेस्ट की ओर। तो देखो दिया है गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी, जब 26 जनवरी 1931 को गांधी जी सहित सारे नेता जेल से रिहा कर दिए गए। कब, तो आपके गांधी इरविन समझौते में 1931 ईस्वी में 26 जनवरी 1931 को गांधी जी सहित सारे नेता जो थे वो रिहा कर दिए गए थे। गांधी जी ने 19 फरवरी 1931 को इरविन से भेंट की और 15 दिन चली वार्ता के फलस्वरूप 5 मार्च को ये कह सकते हैं रिहा हुए और छुट्टी हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और आपका बनता है द्वितीय गोल में सम्मेलन से, देख सकते हैं द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931, यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो आपके यहाँ पर गांधी जी थे, ठीक है ना। वे एसएस राजपूताना नामक जहाज से, किसे, तो वो गए थे किसे, एसएस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने कहां पर रुके थे, वहां एक पैलेस है आपके यहाँ पर किंग्सले हॉल में आपके रुके थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया था, ठीक है ना। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अभी आपने पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब देखिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से डेट याद रखें कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था ये 1932 से लेकर 1934, तो ये डेट याद रखिए, दो बार भी आपके कह सकते हैं हुए हैं, ठीक है ना। द्वितीय हुए तो द्वितीय आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से लेकर आपके 34 में आपके हुए थे। भारत आकर गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन, क्या है, लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया, ठीक है ना।
और यहाँ पर 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन करते दोबारा शुरू करने का निर्णय ले लिया गया था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद क्या हुआ, ये जो आपका आंदोलन था थोड़ी देर में क्या हुआ, सिमट गया। नेता जो थे आपके गांधी जी, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, सबको गिरफ्तार करके सरकार ने कांग्रेस को कानूनी संस्था घोषित कर दिया। मतलब काफी लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जो आपकी कांग्रेस थी इसको एक कानूनी संस्था घोषित कर दिया और इसके साथ ही कांग्रेस की जितनी भी संपत्ति थी वो आपकी जब्त कर ली गई। तो चलिए यहाँ पर एक समझौता और बचा है आपका, पूना समझौता। पूना समझौता है जो कि आपके 25 सितंबर 1932 को हुआ था। याद रखिएगा गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। याद रखिए पूना समझौता किसके मध्य, तो आपके गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। 25 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपका एक और दिया गया है, देखिएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू 3 गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। क्योंकि आपने हमेशा से पढ़ा है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिल जाए कि आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, अगर आपके ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना मिले तो आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में तेज बहादुर सप्रू का भी आप नाम ले सकते हैं। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, देखो हम पहुंच गए हैं लगभग अब अपनी स्थिति में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका था, ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। तो याद रखिए वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन या 8 अगस्त 1942 को डेट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और गांधी जी ने इस अहिंसक जन संघर्ष के लिए लोगों को करो यो मारो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो यहां पर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन क्या बनता है, देखिएगा 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी, कस्तूरबा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो बताइएगा कि गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को कहां रखा गया, तो आगा खां पैलेस कहां पड़ता है, तो पूना के आगा खां पैलेस आपको पड़ता है। ठीक है, अगला दिया है जवाहरलाल नेहरू, कामा गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभि सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया। ठीक है ना, अब यहां पर दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। बाद में जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए, उन्हें आजाद दास्ता का गठन किया। याद रखिए जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे, इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है ना, अब यहां पर देख सकते हैं एक दिया गया है कि गुप्त कांग्रेस रेडियो का सर्वप्रथम संचालन किसने किया, तो आपके उषा मेहता ने किया था। गुप्त कांग्रेस रेडियो का सर्वप्रथम संचालन किसने किया, तो आपके उषा मेहता ने किया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर सरकारों का भी गठन हुआ। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना किसने की, क्या बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की, तो आपके चित्तू पांडे ने किया था अगस्त 1942 में, अवधि थी आपकी 1 सप्ताह थी। ठीक है, तो चलिए अगला दिया गया है मिदनापुर बंगाल में तो आप यहां पर कह सकते हैं तामलुक ने किया था। ठीक है ना, जो कि जिसे हम लोग जाति सरकार के नाम से जानते हैं, तो बंगाल में जाति सरकार की भी स्थापना इसी समय आपकी हुई थी। ठीक है, अब आते हैं अपने टेस्ट पेपर की ओर। चलिए, मतलब आप अभी तक क्या पढ़े, आपने थ्योरी पढ़ा, और अगर इतनी आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपके जो 5 नंबर हैं, ये 5 नंबर लगभग यहीं से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसका जो हमने लगभग 80% कोर्स आज हमने समाप्त कर दिया है। यही अगर आप किसी बड़े यूट्यूब चैनल में जाते तो आपको इस क्लास के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा देना पड़ता, पूरी तरीके से 4 से 5 घंटा देना पड़ता, वो भी आपको कितनी क्लासें मिलती ये भी पता नहीं है। तो यहाँ पर हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सॉलिड पढ़ा रहे हैं, दमदार पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा आप टेस्ट पेपर लगाएगा कि आपने कितनी मेहनत किया है, कितना यहाँ पर किया है। तो चलिए, यहाँ पर दिया है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनके आंसर आपको दिखेंगे। तो चलिए, याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां पर आपका, डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका। ठीक है भाई, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो का लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, है ना, सब लोग वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइएगा कि गांधी जी हमेशा अहिंसा पर फोकस करते थे, मतलब अर्थ क्या होता है, तो सत्य की प्रगति मार्ग, मतलब सत्य की प्राप्ति मार्ग होती है। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे, तो अभी आपको पता चला कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम, देखो अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा है, यहां पर कह रहा है शामिल होने की बात, और शामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ये आपके शामिल हुए थे। तो ये पॉइंट को नोट कर लेना है, क्योंकि अध्यक्षता किया था कब, तो आपके 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, लेकिन सबसे पहले शामिल हुए थे इस वाले अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई,
तो चलिएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना आपके अहमदाबाद में की गई थी। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें से याद रखिएगा कि आपके जवाहरलाल नेहरू इसे आपके संबंधित नहीं थे, तो आपका सी नंबर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कुछ आपके यहाँ पर क्वेश्चन क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके हाईलाइट है, इसके बाद आपके हाईलाइट नहीं मिलेंगे, आपको अपनी मेहनत से जवाब देना है। अभी आपको देखकर जवाब दे रहे हो, है ना, ये स्टार्टिंग समझिएगा कि हम किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि पहले उनको पढ़ाया, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब इसके बाद थोड़ी देर में आपको ऐसे आएंगे जिसमें से आपको अपनी मेमोरी को प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? याद रखिएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के समय आपके महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो आपके थे रेविंडेस चार्ली एंड्रूज। ठीक है, कौन थे? तो एंड्रूज थे, इनके जो आपके करीबी मित्र थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, निम्न में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया? याद रखिए इन्होंने एक कारागार का मंदिर का भी नाम दिया, तो यहाँ पर आपका आपका दिया है वर्धा, है ना, ये वर्धा आपका दिया है, वर्धा जिला आपका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा सर्वप्रथम भूख हड़ताल का जो हथियार माना, है ना, इसका प्रयोग किया तो अहमदाबाद की हड़ताल में, है ना, अहमदाबाद जो हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? अपना पहला जन भाषण जो दिया वो कहाँ पर दिया, तो आपके कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में। ये भी डेट याद रखेगा कि पहला जन भाषण जो दिया आपके वाराणसी में दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के नवाचार अर्थात गांधीयन एवोल्यूशन का तात्पर्य क्या है? तो गांधी जी के नवाचार मतलब होता है कम निवेश से अधिक उत्पाद अधिक लोगों के लिए, है ना, देख सकते हैं मशीनों का प्रयोग नहीं करते थे, यहाँ पर कुटीर उद्योग का फोकस करते थे, तो कम निवेश करो और अधिक उत्पादन करो, अधिक लोगों के लिए उत्पादन भी होगा, है ना। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? खेड़ा दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया है, असहयोग दिया है, और आपका दिया गया है चंपारण। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा चंपारण सत्याग्रह, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने नील बगान मालकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो आपको पता होगा तिनकटिया प्रणाली अर्थात यहाँ पर उन्होंने बुलाया था राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तिनकटिया मतलब होता है क्या, तो आपके 3/20 भाग भूपा पर नील की खेती करना चाह रहे थे, करवाना चाह रहे थे अंग्रेज, है ना, इसी विरोध में ये चंपारण आपका आंदोलन हुआ था। क्योंकि नील की खेती आपकी ऐसी होती है कि जहाँ नील की खेती कर ली जाए वो खेत उपजाऊ नहीं होता है, वो खेत खराब हो जाता है, इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि हमारे किसान हमारे जो खेत हैं वो खराब हो जाए। नील की खेती जो होती है एक देखा जाए तो अगर नॉर्मल सा खेत है वहां पर हो जाएगा तो खेती खराब हो जाती है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के किस स्थान से प्रारंभ किया? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कहां से, तो आपके चंपारण से, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने, किसने, एनजी रंगा ने, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कौन सा, बी हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने किया था। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो चलिए बताइएगा कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो मजदूर की संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने किया था, किसने, वीपी वाडिया ने किया, ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? याद रखिएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा होता है, ठीक है ना, लेबर एसोसिएशन की स्थापना की आपके महात्मा गांधी। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछे कि महात्मा गांधी हीरो कब बने थे, चलिए बताइएगा महात्मा गांधी हीरो कब बने थे, तो आप क्या जवाब दोगे, है कोई इसका आंसर कि महात्मा गांधी हीरो कब बने थे? तो याद रखिए महात्मा गांधी आपके अहमदाबाद आंदोलन के बाद बिल्कुल हीरो बन गए थे। हीरो मतलब होता है कि लोगों के मुंह में जबान में एक ही शब्द था गांधी जी, है ना, सबके दिलों में गांधी जी बस गए थे, इसीलिए कहते हैं अहमदाबाद आंदोलन के बाद गांधी जी पूरी तरीके से क्या हो गए थे, विख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है, सबके हीरो हो गए थे, ठीक है। अगला दिया गया है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके लाला लाजपत राय। याद रखिए अखिल भारतीय व्यापार संघ दिया गया है, पहले अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, तो भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया कब? तो आपके 1919 में लागू किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी डेट याद रखिएगा, मतलब कह सकते हैं कि याद रखिएगा उस समय भारत में वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था?
तो देखिएगा, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी विरोध किया था, क्योंकि यह स्वतंत्रता सीमित करना था, मतलब व्यक्तित्व की जो स्वतंत्रता था उसको सीमित करना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। ये भी क्वेश्चन अभी हमने हाईलाइट कराया था, कहा था कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे, तो आपके महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। खिलाफत आंदोलन के जो आपके प्रमुख नेता थे कौन थे, तो अगर एग्जाम में आपका गांधी जी आता है तो आप लोग गांधी जी लगा दोगे, लेकिन भाई साहब याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली थे और आपके यहाँ पर शौकत अली थे। ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और कम से कम स्टेटस में 2 दिन लगाइएगा, याद रखिएगा स्टेटस में 2 दिन लगाइएगा तो आपको याद रहेगा खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली थे और आपके शौकत अली, क्योंकि हमें याद है और हमें पता है कि अगर एग्जाम में आता है और गांधी जी ऑप्शन होगा तो आप गांधी जी लगा दोगे, बल्कि याद रखिए मौलाना मोहम्मद और आपके शौकत अली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। चलिए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। चलिए, अभी आपके हाईलाइट वाले क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, परेशान मत होइए, अभी देखते हैं। अभी आपको ये जो हाईलाइट है ना, ये हाईलाइट वाले खत्म हो रहे हैं 2-3 क्वेश्चन के बाद, फिर इसके बाद टेस्ट आपका होगा। ये तो वास्तविक नहीं है, तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो वास्तविक पूरा पूरा बाकी है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो यहां पर याद रखिएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, इस वजह से ताकि मुसलमान भी क्या समर्थन प्राप्त कर सके। अगला दिया गया, किसने खिलाफत आंदोलन की हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये आपके महात्मा गांधी ने किया है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। तो देखिएगा, यहां पर है 1920 का नागपुर अधिवेशन, कौन थे, तो सी आर दास। कौन, सी आर दास थे। 1920 के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को जो प्रस्तावित किया था वो सी आर दास ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन 21 वर्ष, तो आपके 1920, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आप लोग 1885 मत लगाइएगा, क्योंकि यहां पर दिया है असहयोग आंदोलन, तो यहां पर हो जाएगा क्या, 1920 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो यहां पर याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। क्या, असहयोग आंदोलन, यहां पर आपका ए हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो देखिएगा यहाँ पर नमक कानून, असहयोग और नमक कानून से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इस समय खिलाफत का प्रश्न था, पंजाब में अत्याचार चल रहा था, रॉयल एक्ट था, है ना। यहाँ पर असहयोग आंदोलन से नमक कानून का कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है, अभी बहुत समय बाकी है नमक कानून के लिए। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था, यह निष्ठुर बर्बादी है, यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये कहा था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो ऑप्शन हो गया बी, है ना। अब आइएगा अपने वास्तविक टेस्ट में, क्योंकि हमने बताया था कि हमें जब किसी भी बच्चे को पढ़ाना होता है पहले उसे लालच दो। लालच मतलब क्या होता है, पहले हमने आपको थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी के बाद ऐसे क्वेश्चन हमने हाईलाइट कर रखा था ताकि आपको टेस्ट पेपर देने में मजा आता रहे। अब यहां पर जो टेस्ट लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा अभी तक वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ा है, अब 100% क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। अब आपको यहां पर हाईलाइट नहीं मिलेंगे, अब आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो चलिए आइएगा बताइएगा कि गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। चलिए, यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर लॉक करना है, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहां पर आपका डी और दे रहे हैं बी, है ना। और पहले क्वेश्चन में काफी लोग यहां पर ढेर भी हो चुके हैं, इसका राइट आंसर सही बनेगा डी, लियो टॉलस्टॉय। याद रखिए गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक, तो आपके लियो टॉलस्टॉय इसका राइट आंसर बनेगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा। काफी लोगों को एक पॉइंट सरल होगा, क्या, कार्ल मार्क, तो भैया कार्ल मार्क कहां से लेना देना था, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखोगे इस क्लास को, कि अगर ऐसी क्लास हमें मिल जाए तो इतिहास तो क्या है, पूरे विश्व का इतिहास हम अपनी जबान में रट सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसने मिली। ये बताइएगा कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा की जो प्रेरणा मिली थी वो आपके किससे मिली थी। तो चलिए, यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो 3 का ऑप्शन बनेगा ए, ये मिली थी आपके थुरियो से। किससे, तो आपके थुरियो से मिली थी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, थुरियो से मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के
गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? जो भी आर्थिक असमानताएं थी इनको दूर करने के लिए जो आपका माध्यम लिया वो आपका कौन सा माध्यम था? तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर मशीनों को समाप्त करना क्या ऐसा था, ग्राम उद्योग स्थापित करना, न्यायधारिता सिद्धांत। याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी न्यायधारिता सिद्धांत इन्होंने अपनाया था, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल है? देखो कह रहा है गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा शक्ति ये मानते थे कौन सा, तो आपके यहाँ पर वीर की अहिंसा, किसकी, वीर की अहिंसा ये सबसे शक्तिशाली बल ये मानते थे। तो क्या जवाब बनेगा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा छह नंबर में कौन सा, यहाँ पर याद रखिए आर्थिक स्वतंत्रता, क्या ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा, बी आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता। गांधी जी सच्चे समर्थक थे, यहाँ पर जवाब देना है। देखो गलत जल्दी से क्वेश्चन कोई हो नहीं पाएगा, अगर होता भी है तो याद रखिए वो मन में खटकता रहता है थोड़ी देर में, वो मेमोरी में रिवर्स करता है, हाँ नहीं इसका जवाब क्या होगा ये होगा, ठीक है ना, परेशान मत होइए। अगर कहीं भी गलती कोई हो जाता है किसी कारणवश से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट लेके डिस्कशन भी कर सकते हैं, सर आपसे गलती हो गई है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। यह आपको फर्ज बनता है कि नेट में सर्च करें और हमसे भी संपर्क करें, ठीक है, या पिन में देखें कि हो सकता है कमेंट बॉक्स में पिन भी किया गया हो। चलिए बताइएगा कि गांधी जी सच्चे समर्थक थे, गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे, अब जवाब हो जाएगा बी कुटीर उद्योग के थे, क्या कुटीर उद्योग के थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन थी? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो थी वो आपकी कौन थी, आठ नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखिए इनकी सबसे बड़ी शिक्षा सबसे पहले क्या था, सत्य था, क्या सत्य था, और फिर क्या था यहां पर आपका अहिंसा, ये शिक्षा की बात किया है, शिक्षा शिक्षा की बात किया है ना कि और किसी चीज की। तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, आठ नंबर में सी हो जाएगा, केवल एक और दो, यहां पर जवाब हो जाएगा सी। आपको दो शिक्षा लेना है, सत्य बोलिए और अहिंसा के मार्ग पर चलिए, यही आपको सीखना है, सत्याग्रह नहीं सीखना है, क्योंकि सत्याग्रह कब किया गया था, जब मुसीबत आई थी, समस्याएं आई थी, तो वहां पर आपको नहीं करना है, ग्रहण आपको करना है सत्य और अहिंसा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, और यहां पर नाइन का ऑप्शन बनेगा डी महात्मा गांधी, ऑप्शन बनेगा डी महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कठिन हो गया ना तो काफी लोग यहां पर क्या सटक लिए हैं, है ना, अभी सरल क्वेश्चन थे और आंसर दिख रहे थे तो बड़े जुटे थे, लेकिन अब जब क्वेश्चन में दम आया है, दुगाड़ आया है, ना थोड़ी ताकत आई है, थोड़ी जान आई है, तो काफी लोगों ने अपनी रास्ता कटक लिए हैं, है ना। चलिए बताइएगा कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं से बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर आपका 10 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, 11 का जवाब देना है, और राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके गांधी जी, कौन, तो आपके गांधी जी, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे सूर्योदय का आशय क्या है, सूर्योदय का आशय क्या होता है, सूर्योदय का आशय, तो चलिए यहां पर क्या है सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहां पर 12 ऑप्शन बनेगा सी सबका उत्थान, क्या सूर्योदय का आशय होता है, सबका उत्थान होता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? अगर आपको स्वाद लेना है तो आप अपने मन से लीजिए, 100% आपको पसंद आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा बी आपके यहाँ पर गांधी जी ने, किसने कहा था, आपके गांधी जी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, मन शुद्ध है तो सब कुछ आपका शुद्ध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? हर एक क्वेश्चन मिलेगा जो अभी तक आपने जीवन में पढ़ा होगा महात्मा गांधी से रिलेटेड, और हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो बचेगा तो और भी क्लासें हैं अभी, है ना। चलिए तो गांधी जी का प्रिय गीत था वैष्णव जन, ये किसने रचा था, यहाँ पर 14 नंबर में ऑप्शन आ रहा है नरसिंह मेहता, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, नरसिंह मेहता ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो काफी लोगों ने जवाब दे दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, चलिए जवाब दीजिएगा कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 16 का ऑप्शन बनेगा बी आपके सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन थी, तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी इंडियन ओपिनियन, कौन, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था,
तो देखिए यहाँ पर दिया है सन 1933, और आपको याद होगा 19 का ऑप्शन बनेगा डी, यंग इंडिया। कौन? यंग इंडिया ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये संपादित समाचार पत्र का नाम है जो कि 1933 तक संपादित हुआ, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अरे कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था, यहाँ पर 20 का जवाब देना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया है, तो महात्मा गांधी ने जो किया है ये आपका नाम क्या है, तो आपका नव जीवन। क्या? नव जीवन ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो देखिए महात्मा गांधी के साथ संबंधित आपका पहला पॉइंट है माय एक्स विद ट्रूथ, ये भी आपका है, एक्सपेरिमेंट आपका दिया है, ठीक है। हरिजन आपका है, हिंद स्वराज है, लेकिन द होली फैमिली ये आपकी गांधी जी से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया था और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। यहाँ पर आपका 23 क्वेश्चन बनेगा डी, आपके प्रिटोरिया। कौन सा है? तो ये स्टेशन है आपका प्रिटोरियो, यहाँ पर प्रिटोरिया ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ऑप्शन बनेगा डी। काफी लोग यहाँ पर केप टाउन बताएंगे, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रिटोरिया हो जाएगा, प्रिटोरिया। हर एक क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखिएगा, धैर्यता से पढ़ते रहिए, ये सोचिए कि आज हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन चला गया, कौन गया था दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने जो गया था वो कौन मिलने गया था। चलिए यहाँ पर 24 का जवाब बनेगा कौन सा, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले सत्याग्रह की जो शुरुआत किया इन्होंने कहां से किया, तो आपके दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहां सीखा। चलिए बताइएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में जो सीखा वो कहां से सीखा था, तो यहां पर 26 नंबर में आपका सही जवाब बनेगा आपका डी, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। 28 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी, तो बताइएगा कि हिंद स्वराज जो प्रकाशित हुई वो कब प्रकाशित हुई थी, तो आपके 1909 में, ठीक है, 1909 में। 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस जहाज पर हिंद स्वराज नामक अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, तो ये देख सकते हैं कि गांधी जी कौन से जहाज से गए थे, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब देना है 30 नंबर में, और 30 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखो ऐसे राजपूताना था, यहाँ पर आपका है किल्डोनन कैसल, देखो एक और नाम आपको मिला है, यहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आपको याद रहेगा किल्डोनन कैसल, इसको अभी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको नोट करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। किल्डोनन कैसल में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक रचना की थी। अगला दिया है किसने महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द सुझाया था, महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द जो सुझाया वो किसने सुझाया था, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 31 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी आपके मदन लाल गांधी। किसने? मदन लाल गांधी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, मदन लाल गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की, चलिए बताइएगा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक की रचना की, इनमें से कौन सा पुस्तक आपका सही बनेगा। तो देखो सर्वोदय भी आपका दिया गया है ना, फिर आपके यहाँ पर मेरे सत्य के प्रयोग भी दिया गया है, फिर आपका नैतिक धर्म भी दिया है, और उपरोक्त सभी, मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गांधी जी ने निम्न में से किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, चलिए बताइएगा इसमें से जो गांधी जी आए थे अपने दक्षिण अफ्रीका से आपके भारत में वो कब आए थे, तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा 1915, यहाँ पर आपका 33 का जवाब बनेगा सी आपके 1915, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात के किस शहर में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, चलिए इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो चलिए जवाब देते रहिए, फटाफट बढ़ते रहिए, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने कब साबरमती नदी के तट पर रचनात्मक कार्यों के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, अब यहाँ पर दिया गया है क्या सत्याग्रह आश्रम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मई 1915। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से आपको सजाना है, क्रम से बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले यहाँ पर आपकी घटित हुई थी, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको दिया गया है, देखो इस प्रकार से दिया गया है, तो देखिए कौन सा आपका पॉइंट यहां पर सही हो जाएगा, तो देखिए दिख रहा है सब कुछ, चलो यहां पर देखिए
तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका हुआ था कौन सा, तो यहाँ पर आपका दिया गया है साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर साबरमती अहमदाबाद श्रमिक विवाद, फिर आपका खेड़ा। तो ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट नंबर, कौन ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर। यहाँ पर स्थापना दिया है, तो हमने बताया था कि साबरमती स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 1917 में। तो स्थापना दिया है तो आपको पहला ये पॉइंट समझना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी से संबंधित घटनाओं को कालक्रम आपको यहाँ पर बताना है। अब एक पॉइंट और आपको दे दिया गया है 37 नंबर में, तो देखिएगा पहला पॉइंट कौन सा बनेगा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले भारत आए गए थे, है ना, गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए, चलो इनको बुला लिया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें केसर हिंद की पुरस्कार भी दे दिया गया था, तो उपाधि भी दे दी गई थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय सदस्य बन गए थे, फिर गांधी जी ने शांति निकेतन यात्रा की थी। मतलब ऑप्शन बनेगा इसका कौन सा, डी नंबर, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के 21 अधिवेशन में हिस्सा लिया था। चले जवाब देना है कि गांधी जी सबसे पहले कौन से अधिवेशन में हिस्सा लिए थे कांग्रेस के। तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा 38 नंबर में, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपके कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, है ना, ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए नंबर। अब काफी लोग यहां पर ऐसे जुड़े हैं जो शायद बाद में जुड़े हैं, जवाब दे रहे हैं सी, तो इसी नहीं है, यहां पर आपका 1901 होगा, 1901 में सबसे पहली बार ये आपके क्या बने थे, आपके सदस्य बने थे, हमने बता दिया है अच्छी तरीके से। अगला है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अब यहां पर दिया है कांग्रेस की जो सदस्यता ग्रहण किया है, सदस्यता वो कब ग्रहण किया था, तो 39 का ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, बंबई 1915 में इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि दिसंबर 1924 में कहां पर आयोजित होने वाले कांग्रेस अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में होने वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। तो याद रखिएगा कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था, गांधी जी का प्रथम अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष बने थे, बेलगांव कर्नाटक, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को उनकी किस सेवा के लिए केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया। तो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, क्यों, ताकि पता है कि यहाँ पर विषम प्रथम विश्व युद्ध की विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के कारण ही इन्हें दी गई थी। तो याद रखिए केसर हिंद के पुरस्कार तो आपके प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, प्रोत्साहित होने के लिए इन्होंने दिया था। अगला आपसे दिया गया है, चलिए दिया गया है कि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था। तो देखिएगा कि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती होने वाला सर्जेंट जो कहा था, इसलिए कहा था, किस लिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के लिए भारतीयों से सेना में शामिल होने का आह्वान किया गया था। तो ऑप्शन पहला ही इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा के रूप में संबोधित किया। तो महात्मा के रूप में संबोधित किया ये कौन से आंदोलन में, तो अभी हमने यहां पर बताया कि आपके चंपारण आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, याद रखिएगा गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार महात्मा का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, यह कथन गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान कर भारतीय जनता को अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आंखें ऊपर उठाना और सामना करना सिखाया, ये जो शब्द कहा था तो आपके किसने कहा है। तो ये दिए थे आपके सैमुअल ने, अर्थात ऑप्शन बनेगा ए, विस्काउंट सैमुअल, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती हैं और इन पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला, इस प्रकार का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला। ऐसा कौन सा संदेश था जिन्होंने गांधी जी को बदल डाला, तो यह संदेश था कौन, तो यहां पर बी, कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यहां पर याद रखिए अनटू द, यहां पर कह सकते हैं इसमें बोला गया है और उन्हीं से गांधी जी बदल गए, कि व्यक्ति का कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है, यही कल्याण है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के बारे में सही है, गांधी जी के बारे में कौन सा सही है, तो देख लेते हैं 46 नंबर में। तो देखिएगा पहला पॉइंट दिया गया है, आपसे प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई थी, तो पहला सही है, उनकी शादी 13 वर्ष में हो गई थी, ये भी दिया है, विधि का अध्ययन द इन टेंपल लंदन में थे, ये भी आपका है, और रस्किन के अनटू द लास्ट से प्रभावित भी हुए थे, अभी आपको पता है इनमें से द अनटू द लास्ट से प्रभावित हो गए थे, है ना, तो ये भी आपका है, मतलब आपका सभी जवाब सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका अपनाया, बताइएगा गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका इन्होंने अपनाया था, तो ये तरीका कौन था, इस तरीके का नाम है आत्मनियंत्रण। अगर आप अपने में आत्मनियंत्रण कर लेते हैं तो नसबंदी की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा कि अगर आत्मनियंत्रण रखते हैं तो नसबंदी की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, आपने यूट्यूब में ऐसे बहुत वीडियो देखा होगा कि अगर आप आत्मनियंत्रण रख लेते हैं तो याद रखिए आपकी इतनी पावर होगी, अपनी क्षमता होगी कि एक बुक को पढ़ने में आपको बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम ही समय लगेगा, है ना, तो यहां पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए, आत्मनियंत्रण है तो सब कुछ हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, तो दो सिद्धांत थे गांधी जी के, कौन कौन, तो आपके सत्य और अहिंसा, है ना, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, चलिए
बताइएगा कि भारत की स्वाधीनता के समय जो महात्मा गांधी थे वो आपके क्या थे, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता दिया गया है, स्वाधीनता दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी कामा बैंकर कामा कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह कथन किनका है, मतलब भारतीय कपड़ा का व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह कथन किनका है, तो 50 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। ये थी आपकी जमनालाल बजाज, कौन, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी जमनालाल बजाज। जो क्वेश्चन नया हो उसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, चलिए बताइएगा कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा थर्ड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ और भी आपके थे जिससे गांधी जी आपके क्या हो गए थे, तो आपके प्रभावित हो गए, इनमें से कौन सा पॉइंट आपका है, तो पहला दिया है कि 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध ने, दूसरा है चीन के बॉक्सर युद्ध ने, और आयरलैंड के क्रांति आंदोलन ने, और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने, इन सभी से क्या हुए थे आपके प्रभावित थे, तो आपका डी नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है, गांधी जी अहिंसा को क्या समझते हैं, यहां पर 53 नंबर में, तो आपका जो हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता एक ही मार्ग है अहिंसा, अहिंसा है तो सत्य की मार्ग का रास्ता मिल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे बनाया गया आश्रम का नाम क्या था, चलिए महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे बनाया गया आश्रम का नाम क्या था, 54 नंबर में जवाब देना है, और आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम, कौन, सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व भी कराया है, यहाँ पर देख सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, चलिए एंड्रूज, यहां पर जवाब आ रहा है एंड्रूज, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर एंड्रूज, ठीक है ना, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फीनिक्स आश्रम कहाँ है, फीनिक्स आश्रम है कहाँ पर, चलिए बताइए 56 नंबर में, तो फीनिक्स आश्रम कहाँ पर है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका में है, और कहाँ पर, तो डरबन में है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे क्या कहा जाता था, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे, चलिए यहाँ पर जवाब देना है कहाँ के दीवान थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये पोरबंदरगाह के भी थे, राजकोट के भी थे, और आपके बीकानेर के भी थे, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से डी, इन सभी के थे, कहाँ के, इन सभी के थे, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, चलिए बताइएगा कि गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, यहाँ पर 59 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा बी आपके इंडियन ओपिनियन की, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, पेशे से एक शिक्षक थे कौन थे, यहाँ पर देख सकते हैं अनुयायी थे, है ना, गांधी जी के अनुयायी थे और पेशे से क्या थे, एक शिक्षक थे, ये आपके कौन थे, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके समर्थक थे, महात्मा गांधी जो समर्थक करते थे एक दार्शनिक अराजकतावाद के, क्या, ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कुल कितने वर्ष रहे थे, चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष तक आपके रहे थे, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर आपका 62 नंबर में आपके हो जाएगा बी आपके 21 वर्ष रहे थे, है ना, 21 वर्ष होगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर में, चलिए 1 को ऑप्शन देना है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि कानपुर में, ये तो आपका होगा नहीं, लेकिन अगर बात किया जाए कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, देखिए ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर सी नंबर है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, है ना, जो ऑप्शन जो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि 1857, तो दोस्तों याद होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार मतलब पहुंच गए थे, है ना, और 12 को वहां पर विद्रोह किया था, तो यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, और वहां पर जाकर उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था, क्लियर है, तो ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा,
चलिए बैरकपुर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि आपके 29 मार्च को, दोस्तों याद रखिए 29 मार्च 1857 को जो 34वें रेजिमेंट से आपके जुड़े हुए हैं बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे, जो कि चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को इनकार करने के विद्रोह में है ना, यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। उन्होंने यहाँ पर लेफ्टिनेंट बाघ और लेफ्टिनेंट जनरल हीरो की हत्या कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था ना, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो आपका था ये 1856 से दोस्तों 1856 से लेके 1862 तक इसका समय आपका रहा है, ठीक है ना, और भारत के गवर्नर जनरल भी थे है ना, और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल के बाद फिर वायसराय हो गए थे, अर्थात तो जैसे 1857 की क्रांति होने के बाद कि आपका जो गवर्नर जनरल था ये अंतिम गवर्नर जनरल रहा है, और इसी को यहाँ पर प्रथम भारत का वायसराय भी घोषित कर दिया गया था, ब्रिटिश सम्राट के अधीन हुआ था है ना, ब्रिटिश सम्राट के अधीन हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है झांसी है ना, मतलब कह सकते हैं कि स्थान दिए गए हैं और विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर झांसी से आपके कौन थे, तो झांसी से थे आपकी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर देखिए आपका डी हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो गया है ना। यहाँ का जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपके जनरल हीरोज थे, जनरल हीरो थे। और यहाँ पर लखनऊ की अगर बात किया जाए तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ का जो नेतृत्व किया था दमन करता थे वो आपके कैंपवेल, कौन थे, कॉम्पलेल था, जो कि आपके लखनऊ में इस विद्रोह का दमन किया था। कानपुर में आपके कौन थे, तो कानपुर में आपके कौन थे, तो आपके नाना साहब नहीं दिया है तो अजीमुल्ला खान कर दीजिए, अजीमुल्ला खान यहाँ पर आपका 2 कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो दमन करता था है ना, यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से थे आपके कैंपवेल यहाँ पर भी था। और फैजाबाद की अगर बात करते हैं तो फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह अर्थात मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था, इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं फैजाबाद का जो दमन करता था वो कर्नल नील था। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें कि आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो 4-3-2-1 बन रहा है, 4-3-2-1 देखें ऑप्शन यहाँ पर पहला ही आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया कि व्यापगत का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्की से संबंधित है। चलिए दोस्तों यहां पर आंसर देना है कि यहां पर व्यापकगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्की का सिद्धांत ये किससे संबंधित है, यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। या इसे हम लोग राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और शुरू किसने किया था, तो आपके लाल डलहौजी, देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है इस पॉइंट को, यहाँ पर जवाब आ गया है सी नंबर लाल डलहौजी, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपका राज्य का विलय किया गया था उसे किया गया था किसे, सतारा को दोस्तों। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि सबसे पहले किसको विलय किया गया था, तो सतारा को किया गया था 1848 में, सतारा को किया गया था, फिर जैतपुर को गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था। 1857 की क्रांति में बिहार का प्रमुख केंद्र पूछा गया है और आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा दोस्तों, नोट करिएगा जगदीशपुर, क्या हो जाएगा, बिहार में जगदीशपुर, जो कि आरा बिहार में पड़ता है ना। और यहां के जो जमींदार थे वो कुंवर सिंह थे, कौन, कुंवर सिंह थे, काफी वृद्धावस्था हो गई थी लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहां पर नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था या नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो था इनमें से दोस्तों कौन हो जाएगा। चलिए वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों सभी लोग, तभी मजा आएगा, तभी आनंद आएगा। आपको अगर ज्ञान पूर्वक चीजें मिल रही हैं तो दोस्तों हमें भी थोड़ा मोटिवेट रखिए, आपको यहां पर अच्छी तरीके से कंटेंट भी मिल रहा है, हमने यहां पर टॉपिक वाइज शुरुआत किया है बेहतर तरीके से दोस्तों, यहां पर सपोर्ट करते रहिए, एग्जाम का समय भी है, सपोर्ट आपका रहेगा। यहां पर देख सकते हैं ढेरों क्लासेस आपको दी जा रही हैं, लगातार ऐसी क्लासेस आपको मिलती भी रहेंगी, हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट भी होगा, ठीक है दोस्तों। सभी लोग एक बार लाइक से करिएगा, सभी लोग यहां पर सपोर्ट करते रहिए। देखिए यहां पर 7 का जो ऑप्शन है, यहां पर जवाब हो जाएगा खान बहादुर खान, जिसका भी ऑप्शन है यहां पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, खान बहादुर खान इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। चलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, इसमें से 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 8 का ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपका था SN सेन, क्या था, SN सेन, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। SN सेन मतलब होता है सुरेंद्रनाथ सेन, क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ सेन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए भारत सरकार ने 1956 में सुरेंद्रनाथ सेन को 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहासकार लिखने का दायित्व सौंपा था, अर्थात जो 1857 का संग्राम हुआ था उसका नेतृत्व लिखने के लिए SN सेन अर्थात सुरेंद्रनाथ सेन को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। यहां पर बताइएगा कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन में से कौन था। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 9 का ऑप्शन बनेगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो कि आपके
कहां से थे, फैजाबाद से थे, है ना, फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और कह सकते हैं कि इन पर, इनको पकड़ने के लिए 50,000 की इनाम राशि भी घोषित किया गया था। देखा जाए तो सबसे ज्यादा कठिनाई अंग्रेजों को यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही पकड़ने में आई थी, और इन पर नगद इनाम भी घोषित किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से जो आपके थे मौलवी अहमदुल्ला, ये दक्षिण भारत के थे, लेकिन ये आपके फैजाबाद में आकर बस गए थे दोस्तों, याद हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान बताना है, कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास इनमें से क्या था। 10 का ऑप्शन देना है, और 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों, ये नंबर आपके आगरा में, हमने यूपी जीके में आपको पढ़ाया भी है कि दोस्तों 27 दिसंबर 1796 कब 1796 के आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था, कब 1796 को हुआ था, ठीक है। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रत्यक्ष दर्शियों में से एक आपके रहे हैं, और इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर भी कहा जाता है, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी। चलिए यहाँ पर आंसर देना है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों फटाफट जवाब देते रहिए, है ना। सब क्वेश्चन आपके पढ़े लिखे हुए हैं, और देख सकते हैं कि यहां पर ये क्वेश्चन आपके 1857 के हैं, ये टॉपिक आपका 1857 ही चल रहा है, टॉपिक जो चल रहा है वो 1857 ही चल रहा है, डेली यहाँ पर 2 से 3 आपके टॉपिक एक साथ आपके कवर हो रहे हैं। चलिए 11 का ऑप्शन लगभग आ गया है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर दोस्तों, याद रखिए 1 नवंबर 1858 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और इस एक घोषणा पत्र था, है ना, उस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़कर सुनाया था, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। चलिए यहाँ पर बताना है कि असम में 1857 का नेता था, है ना, वो क्रांति जो उसको कवर किया था, असम को कवर किया था, या असम को मतलब वहां से विद्रोह कर रहा था या लड़ रहा था, तो ये बताइएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर दीवान मनीराम दत्त, दोस्तों याद रखिए असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहां के दीवान मनीराम दत्त ने किया था, वहां के अंतिम राजा के पौत्र थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। बाद में क्या हुआ था कि विद्रोह भी सफल नहीं हुआ था, और दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना, कलकत्ता में इनको फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देश जो आपका रहा है पहले से एकजुट नहीं रहा है, इस कारण से कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति असफल भी रही। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक राजवंश था जो अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक सहायता किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, क्या ग्वालियर के जो सिंधिया थे दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता किया था, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत इस पर आधारित है। चलिए दूसरे टॉपिक पर आइए, यहाँ पर जो आपका दूसरा टॉपिक है वो आपके समाज से संबंधित आपका है। तो यहाँ पर बताइएगा ये ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 1 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये अद्वैतवाद पर आधारित है, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1828 कब हुई थी, 1828 डेट पूछ ले तो आपको बताना है 20 अगस्त, क्या बताना है, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था, है ना। और हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन इसी को माना जाता है, याद रखिएगा, हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन इसी को माना जाता है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कहा जाता है। प्रकाश से ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है, ऑप्शन देना है, और 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदू समाज के अंदर जितनी बुराइयां थी उनको समाप्त करने के लिए यहां पर प्रयास किया है, ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, यहां पर दिया गया अगला पॉइंट, कह रहा है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, यहां पर जवाब देना है दोस्तों। बस उतना ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा ही जाना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है जो डायरेक्ट आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों, ठीक है ना। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। चलिए प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था इनमें से वो है ऑप्शन यहां पर सी, आत्माराम पांडुरंग, क्या हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में, कब 1867 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहां पर किया था।
चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना यहाँ पर कहाँ पर किया था? तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा नंबर आपके बंबई में। कहाँ पर की गई थी? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। लेकिन अगर बात किया जाए कि 1870 में क्या हुआ था, तो 1870 में इसका मुख्यालय बनाया गया था लाहौर। क्या बनाया गया था दोस्तों? इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और इनका एक नारा था, आपको याद होगा, कि वेदों की ओर लौटो, है ना। आर्य समाज का मुख्य नारा था कि वेदों की ओर लौटो, है ना। ये प्रचार प्रसार उन्होंने किया था और आगरा से आपका प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि M.C. सीड, B.N. राव तथा अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो दोस्तों ये जो सदस्य थे ये किसके थे? तो ये सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। किसके? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब बात आती है ये जो आपकी सोसाइटी अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं भारत सेवक संघ। क्या बोलते हैं? भारत सेवक संघ भी कहते थे या इसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते थे। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी और कहां पर? तो पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, पुणे में की गई थी। इसमें से ये आपके सदस्य भी आपके शामिल थे दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है निम्नलिखित में से किसने 1872 नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऐसा ऑप्शन देखने को दोस्तों मिला भी था, तो चलिए फिर आप जवाब दीजिए। यहां पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसने भूमिका निभाई थी? चलिए जवाब देखिए, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं बहुत स्पीड के साथ दोस्तों। ऑप्शन मुझे आपका सी नंबर है, केशव चंद्र सेन के प्रयास से, ठीक है। केशव चंद्र सेन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या था कि लड़कियों की विवाह की उम्र आयु कितनी? 14 वर्ष, और लड़कों की न्यूनतम आयु कितना? 18 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई थी। और इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त किया गया था। क्या? इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दिया गया था इसी के द्वारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर इसका राइट हो गया। आगे एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक इनमें से कौन थे? सेवन नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहां पर डी, बहराम जी एम मालावारी। ये पारसी समाज सुधारक थे दोस्तों, यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में भी एक पत्र संपादन किया था दोस्तों, तो इनका जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक पूछा गया है, यहां पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आंसर आपका मुकुंद राव पाटिल। कौन हो जाएंगे? मुकुंद राव जो आपके पाटिल हैं दोस्तों, याद रखिए बहुजन समाज का जो स्थापना की गई थी वो आपके 1910 में सतारा में ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने किया था दोस्तों। इनका उद्देश्य था कि कांग्रेस और ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर ही इन्होंने 1910 में आपके सतारा में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका उद्देश्य? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देना है दोस्तों, 9 का ऑप्शन आपका सत्य शोधक समाज, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा, सत्य शोधक समाज जो कि ज्योतिबा फूले ने यहाँ पर उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, 1873 में किया था दोस्तों, 1873 में किया था, ठीक है ना। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल भी खोला था, है ना, और बाल विवाह विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक भी आपके रहे थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेरित नहीं है? चलिए दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जो कि सही दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका दिया स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, ये भी सही है। महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों दिया गया थियोसोफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं महादेव गोविंद रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी नहीं, इन्होंने प्रार्थना समाज, है ना, किससे जुड़े थे? प्रार्थना समाज से जुड़े थे। इस कारण से आपका ये यहाँ पर आपका गलत है दोस्तों, ये प्रार्थना समाज 1867 से जुड़े हुए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? आपसे पूछा गया है कि एक सुमेलित आपका है दोस्तों, यहां पर दिया गया भारत ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, क्या थे? क्या नहीं थे भाई, यहां पर देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन दिया गया है दोस्तों, यहां पर देखिए डी नंबर द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहां पर डी नंबर है कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने क्या किया था 1905 में आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, ये रनाडे के शिष्य थे, ठीक है ना। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था, भारतीय ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय थे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राय फूले थे। तो दोस्तों कौन मिला है आंसर आपका डी नंबर मिल रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि शारदा अधिनियम अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई?
क्वेश्चन नंबर 12 देना है और 12 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 14 और 18 है ना। यहाँ पर लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र कितनी 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर से हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, क्या हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो कि पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये 19वीं सदी को क्या हुआ था भारत में धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है ना, और यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने कहा है कि ये भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मांगा, बताइएगा। कह रहा है कि किसने कहा है कि ये भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ऐसा शब्द दोस्तों किसने कहा था, चलिए बताइएगा ऐसा शब्द जो कहा है किसने कहा है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी नंबर, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। देखो यहाँ पर दिया गया है सहन करते हैं, ये नहीं कह रहा है कि मंदिर में पूजा करने के लिए ये आपके गांधी जी पर मत जाइएगा, इसका आंसर जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय नेता रहे हैं ना, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये क्या थे अस्पृश्यता और जातिवाद के विरोधी थे, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, है ना। क्यों भाई ऐसा होता है कि भगवान को मतलब छुआछूत भगवान थोड़ा मानते हैं, तो इस कारण से इनका था अगर भगवान ऐसा मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, चलिए बताइएगा थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया था क्वेश्चन नंबर 15 में इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही है, क्या बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, मैडम एचवी ब्लावस्की जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर, न्यूयॉर्क में, क्या पर न्यूयॉर्क में, ये रूसी महिला है, ये जो आपकी हैं ये रूसी महिला है दोस्तों। स्थापना कहाँ हुई थी न्यूयॉर्क में किया था, कब किया था तो आपके 1875 में किया था, ठीक है ना। और इनके साथ एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी भी थे कर्नल अलकार्ड भी इसमें से आपके शामिल थे, क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि में से कौन थे, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि इनमें से कौन से थे। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी दिया है है ना, तो यहां पर जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद यहां पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, इन्होंने 1863 से लेकर 1902 तक रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय दर्शन का साधारण भाषा में प्रयोग किया था, तो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। इन्होंने एक काम और किया था, कब 1893, आपको डेट याद होगी कि 1893 शिकागो गए थे जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में है ना भारत की ओर से सनातन धर्म की व्याख्या किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, यहां पर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 17 का ऑप्शन दिया जाए आपका, इनका नाम है दोस्तों याद रखिए गोपाल हरिदेशमुख, क्या नाम है गोपाल हरिदेशमुख दोस्तों इनका नाम है, जो कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं और 1823 से लेके 92 तक ये आपके पेशे से न्यायाधीश भी रहे थे, ठीक है ये न्यायाधीश भी रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कॉलेज, पूर्व में इसे हिंदू कॉलेज भी कहते थे, इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर राजा राम मोहन राय। दोस्तों याद रखिए 1817 में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से किया था, किसकी सहायता से, डेविड हेयर की सहायता से किया था, ठीक है ना। और उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज भी था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था दोस्तों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया किसने, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम लोग नदेन दत्त जो कि ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इन्होंने सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बड़ा नगर में भी करवाया था, ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका बी हो जाएगा। बाद में इन्होंने क्या किया, इसे वेल्लूर मठ में स्थानांतरित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी, चलिए बताइएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था इनमें से कौन थी। तो ये थी आपके दोस्तों प्रथम दिया ना, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आत्मी सभा, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था कि 1814 से 15 में कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था एकेश्वरवाद, है ना, इनका मत का प्रचार प्रसार किया, दर्शन और सामाजिक सुधारों पर चर्चा किया करते थे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाद में क्या हो गया कि 1823 में यह सभा निष्क्रिय हो गई थी, 1823 में यह जो सभा थी ये निष्क्रिय हो गई। फिर क्या हुआ कि 1839 में
1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दी। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, देखो दो टॉपिक आपके कंप्लीट हुए है ना, 1857 की क्रांति और धर्म सुधार कंप्लीट हुआ। तीसरा आपका यहाँ पर टॉपिक आ गया है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपके सिलेबस में है। हमने बताया हमने उतना ही आपको पढ़ाएंगे जितना आपको जरूरी है, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तभी अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी, इसका आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, वन का ऑप्शन देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर, जो कि आपका जवाब हो जाएगा 1885। क्या हो जाएगा, 1885, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और 28 दिसंबर, कब 28 दिसंबर, 28 दिसंबर और कौन से डेट को, 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोलियारा टैंक में हुआ था। कहाँ पर, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पर, तो आपके यहां पर हो जाए क्या कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था, यहां पर ब्योमेश चंद बनर्जी, कौन, ब्योमेश चंद बनर्जी ने किया था। ठीक है ना, और अगर पूछे स्थापना तो आपके ओ ए ह्यूम ने दिया किया था, किसने, ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के रूप में जाना जाता है। बताइएगा कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, यह पर टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, टू की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर लगभग सभी का जवाब सही है, लोकमान्य तिलक या किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा कि आपके राजा राम मोहन राय तो आपके है नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय अशांति का जनक यहाँ पर लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, और ये कहा था किसने, ये जो शब्द कहा था वो सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा भी किया था। क्या किया था, कि इसी बात को लेकर तिलक ने सिरोल पर क्या किया था, मानहानि का मुकदमा भी कर दिया था, जिसमें से वो हार भी गए थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलते होंगे, मॉडल पेपर, अगर आप हमारे सभी मॉडल पेपर लगाते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं होगा जो कि हमने आपको ना पढ़ाया हो। हाँ, कुछ तो नया क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो नया पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मॉडल पेपर से काम चल जाएगा, है ना। चलिए देखिए, जो थ्री का ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके लाला लाजपत राय, जिसका आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर और अधिवेशन स्थल निम्नलिखित से कौन था। मतलब देखा जाए इस क्वेश्चन को कई नाम से जाना जाता है, कई रूपों में आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर देख सकते हैं दिया गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल का नाम बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर दिया गया है 1931 में कराची में, तो आपके थे नहीं भाई, 1931 में कराची में थे क्या, नहीं थे। फिर इसके बाद यह लॉर्ड वेलिंगटन बंबई 1915 है ना, यहां पर 1915 85 में तो बने नहीं थे। लॉर्ड हार्डिंग 16 भी आपके नहीं बने थे। ऑप्शन देखिए, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो भाई ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर लॉर्ड विलिंगटन इसका आंसर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है 31 में बने नहीं थे, 85 में तो आपके बने भी नहीं थे, और यहाँ पर आपके लखनऊ में आपके थे ही नहीं, तो भाई तुक्का मारेंगे तो आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप समझिएगा कि जो 31वां अधिवेशन हुआ था, कौन, 31वां अधिवेशन हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, और इस अधिवेशन का आयोजन हुआ था 1915 में बंबई में किया गया था। इस समय वह मुंबई का गवर्नर था, इस समय ये मुंबई का गवर्नर था दोस्तों, मुंबई का ये गवर्नर था। ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये भाग लिया था दोस्तों, ये भाग लिया था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यहां पर जवाब देना है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। 38 में पूछा है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, और इसके बाद क्या हुआ था कि दूसरी बार जब समय आता है, कब, आपके 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी था, त्रिपुरी जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी के विरोध के बाद भी ये अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए और पट्टाभी सीतारामैया पराजित हो गए थे। तो इस पराजय के बाद गांधी जी क्या हुआ कि पट्टाभी सीतारामैया ने मतलब कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार है। तो इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तब अध्यक्ष कौन बने थे 39 में, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 39 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे।
चलिए सिक्स को ऑप्शन देना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस को जो अध्यक्ष थे इनमें से कौन थे। तो भाई आपका जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी। कौन थे भाई? जेबी कृपलानी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उनका वास्तविक नाम था जीवत राम भगवान दास था। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी। मतलब जो नरम दल के लोग हुआ करते थे इन नेताओं की जो आंदोलन की रणनीति थी वो आपकी कैसी थी। तो ये लोग किस प्रकार से, तो ये कहते थे राज व मन्नबंद। क्या दिया है? राज व मन्नबंद, मतलब ये पद्धति दी गई थी। इसके तहत नेताओं ने प्रमुख नीति अपनाया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न की जाए, प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, फिर आंदोलन का परिणाम ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर होगा। तो यहां पर जो आंसर आपका है यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसी कारण से क्या हुआ था, 1907 में दरार पड़ गई। 1907 में क्या हो गई? दरार पड़ गई है ना। और ये दरार पड़ी थी सूरत अधिवेशन में। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में। तो सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए? विभाजित हो गए। क्योंकि भैया नरम दल वाले कहते थे प्यार से काम हो जाएगा, गरम दल वाले कहते हैं इतने दिनों से हो गया है, अभी तक काम नहीं प्यार से हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा। इसलिए दोनों की पटरी नहीं खा रही थी, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो गया यहां पर, सेवन का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इस शब्द मतलब इस शब्द के माध्यम से एक प्रीता लाना चाह रहे थे, इसको ऑप्शन बी लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1908 ईस्वी में चर्च के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। चलिए बताइएगा कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। यहां पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन लॉक करना है। याद रखिएगा कि केसरी के वर्णित लेखों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जो कि 24 जून 1908 को है ना, 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ पड़ता है दोस्तों, बताएंगे आप लोग? ये बताइए जो मांडले जेल है वो आपके है कहाँ पर, इसको बताइएगा। यहाँ पर मांडले जेल जो आपकी है कहाँ पर है? मांडले जेल, ये वर्मा में कैद कर दिया गया था, वर्मा में पड़ता है, वर्मा में, ठीक है। और इसी जेल में अपने कारावास के समय ही तिलक ने आर्कटिक होम द वेदाज और गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। गीता रहस्य जो इन्होंने लिखा है यहीं पर जेल पर लिखा, याद रखिएगा इसका आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों बताइए फटाफट जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा है ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए है, ये सब क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे। तो चलिए बताइएगा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाए लखनऊ अधिवेशन 1916 है ना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण के दौरान इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों फिर क्या हुआ था 1916 में, एक काम इन्होंने और किया, क्या किया था? स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया, होम रूल लीग की स्थापना किया। दोस्तों होम रूल मतलब होता है कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त कर लेना, इसका अर्थ ये होता है। तो ऑप्शन यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। चलिए बताइएगा कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। चलिए 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था, इसका आंसर जो आपका बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए एक पॉइंट और होता है, जो आपके जॉर्ज यूले था, एक अभी क्वेश्चन ऐसा आपको मिला था दोस्तों, यहां पर अभी एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिला भी था, जो कि जॉर्ज यूले जो थे वो 1888 में बने थे जो अध्यक्ष रहे थे, है ना। दादा भाई नौरोजी आपके 1886 में, 1893 में, 1906 में, है ना, जो आपके दादा भाई नौरोजी रहे हैं वो 3 बार अध्यक्ष बने थे, 86 में, 93 में और 1906 में बने थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार बने थे, 1895 में और 1902 में बने थे। लाला लाजपत राय जो आपके थे वो आपके 1920 में बने थे, ठीक है। जो जॉर्ज यूले थे ये आपके 1888 में बने थे, याद रहेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 देना है और 12 का जो ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर केंद्रित हो गया था। ऑप्शन जो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी।
चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट जवाब देते रहिए। चलिए वेरी गुड, काफी लोग जवाब दे दिए हैं और इजी क्वेश्चन आपका है, वही कठिन आपका नहीं है, है ना। तो चलिए फिर आप लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13 में ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 1917 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, 14 का ऑप्शन देना है। तो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा सी नंबर जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब बनेगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, चलिए कह रहा है कि 1934 में, क्या कह रहा है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। चलिए भाई जवाब देना है क्या हो जाएगा कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, जवाब हो जाएगा 16 नंबर में बी नंबर या के जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ऑप्शन यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था, जो ऐतिहासिक आपका यहां पर देख सकते हैं समझौता हुआ था 1932 में पूना समझौता, तो इसमें हस्ताक्षर नहीं किया वो किसने नहीं किया था। चलिए दोस्तों यहां पर महात्मा गांधी, ऑप्शन में आपका डी नंबर है, महात्मा गांधी ने नहीं किया था दोस्तों, ऑप्शन में आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूना समझौता का संबंध किससे था, पूना समझौता का जो संबंध था दोस्तों ये संबंध आपका किससे था, इसका जो आंसर है हो जाएगा पूना समझौता का जो संबंध था दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा संवैधानिक प्रगति से था, किससे संवैधानिक प्रगति, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अखिल भारतीय दलित वर्ग का जो संघ स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का जो स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, आप लोग सभी लोग जानते हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था 1920 में, कितने में 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था, मतलब आर इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन। ठीक है, और कह सकते हैं इसके अतिरिक्त उन्होंने सवर्ण हिंदू अछूतों में सामाजिक समानता का सिद्धांत का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन का प्रारंभ किया, बताइए भाई कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन जो प्रारंभ किया वो कब प्रारंभ किया था, यहां पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 20 नंबर जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, कम्युनल अवार्ड के समय, मतलब कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके रैमजी मैकडोनाल्ड थे, सांप्रदायिक पंचावट था 1932 में, तो मुसलमान और सिखों के अतिरिक्त दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, तो अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया, गांधी जी ने इसके विरुद्ध यहाँ पर थे, है ना, तो कहीं ना कहीं यशवर्धा जेल थी, है ना, वहीं पर प्रथम आमरण अनशन इन्होंने किया था, प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। दोस्तों समझ में आया ना कि अंबेडकर और गांधी जी को मिलाने जो मिलवाया था अर्थात इस समझौते को करवाया था वो मदन मोहन मालवीय ने करवाया था, किसने, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये समझौता आपका क्लियर हो पाया था। तो दोस्तों यहां पर जो आपका ये क्लास होती है वो आपकी कंप्लीट होती है दोस्तों। आज हमने